वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आई एम धर्मेंद्र सर। सबसे पहले मैं आज आपको, बहुत बच्चों का डिमांड आया है, बहुत बच्चे क्वेश्चंस पूछे हैं कि सर मुझे इंग्लिश बेसिक से पढ़ना है। तो बेसिक से इंग्लिश पढ़ने के लिए हम लोगों ने आज स्टार्ट किया आपके लिए, और वो है साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स। जैसे आप किसी वर्ड का प्रोनंसिएशन नहीं कर पाते, तो आप इसको गौर से देखिए कि बी साइलेंट कब रहता है, पी कब रहता है, एम कब रहता है। इस तरह से पूरे लिस्ट आपको मैं आज दूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये जो वीडियो मैं दे रहा हूँ, तो उन बच्चों को भी शेयर कीजिए ना जिनको आप सकता है। अब यहां पर देखते हैं कि साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स, किसी भी वर्ड्स में साइलेंट कहां होता है, कौन सा लेटर है जो चुप रहता है, नहीं बोलता। जैसे यहां वर्ड है बॉम्ब, अब बी साइलेंट होता है, लेकिन जानना यह है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, नॉट रूल, कॉन्सेप्ट क्या है, बी चुप क्यों है, इसको क्या हम बॉम्ब बोलेंगे या बॉम्ब बोलेंगे, टॉम बोलेंगे या टॉम बोलेंगे, कॉम बोले या कॉम बोले, थंब थंब, लैम्ब लैम्ब, डाउट डाउट, यह हम निर्भर करता है कि इस लेटर का उच्चारण कैसा हो। तो ध्यान देना, इसका कंसेप्ट पे ध्यान दो कि जब कोई लेटर, जैसे ध्यान दे रूल पे कि जब एम, एम के बाद, एम के बाद और टी से पहले, एम के बाद और टी से पहले अगर बी हो तो बी होता है साइलेंट। ठीक है, हमने रूल क्या दिया कि एम के बाद, अब देखो एम के बाद बी है, एम के बाद बी, एम के बाद बी, एम के बाद बी, और देख लो टी से पहले, टी से पहले बी। तो जब किसी वर्ड में एम के बाद बी हो और टी से पहले बी हो, तो वह वर्ड, वह लेटर चुप रहता है, साइलेंट लेटर चुप रहता है। जैसे इसको बॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे आप बॉम्ब, इसको पढ़ेंगे टॉम, इसको पढ़ेंगे कॉम कॉम, इसको कॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे थॉम, डाउट, इसको डाउट भी नहीं पढ़ेंगे, डाउट, इसको पढ़ेंगे लैम। तो किसी भी वर्ड का उच्चारण, उसके साइलेंट लेटर को भी हम लोगों को जानने की आवश्यकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने कंसेप्ट क्या देखा कि एम के बाद बी साइलेंट, टी से पहले भी साइलेंट, और हमने काफी दिए हैं। और इस तरह से कहीं भी आपको कोई वर्ड मिले तो आप इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं। हमने चार पांच दिए, ये सबके लागू होगा। अगला कंसेप्ट है पी साइलेंट। अब पी कब होता साइलेंट, जैसे देखो निमोनिया लिखा तो बच में रट्टा मारते थे, अब पी निमोनिया थोड़े है ना, पी सलाम थोड़े है। अब देखना यह है कि पी कब होता है साइलेंट। तो ध्यान देना बच्चे पी के लिए कि एन और एस दो लेटर याद रहेगा, एन और एस, ये बिल्कुल बेसिक क्लास है। बाकी जब आप धीरे धीरे बड़े हो जाओगे, बड़े का मतलब है कि आप बड़े तो हो ही, जब आप धीरे धीरे इंग्लिश के कंसेप्ट पे जाओगे तो वर्ड अपने आप पढ़ना शुरू कर दोगे आप, लेकिन अभी स्टार्टिंग में कुछ न कुछ जानने की आवश्यकता होती है, और मुझे भरोसा आप कर लोगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले सिखा रहा हूं मैं, वो जानने का प्रयास करें। तो हमने कहा एन और एस, देख रहा हूं एन और एस से पहले, से पहले पी साइलेंट होता है। ठीक है, आप कॉपी कलम निकाल लो, है ना, ताकि आप उसको लिख भी लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन ज्यादा अच्छा हुआ कॉपी कलम लेकर के बैठो, तब आप वीडियो देखने का मजा है। ये नहीं कि देखा फिर काम करा, तो कोई भी साइलेंट होता है आप इसको नोट कर लो, फिर दो चार पेपर पढ़ोगे, मैगजीन पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो आपको वर्ड मिलेगा, फिर अपने आप धीरे ध्यान रहेगा और स्पीकिंग भी ध्यान रखना। तो इसको हम लोग पी नहीं, निमोनिया, पी हो गया साइलेंट, ए पी क्या हो गया बेटा, चुप हो गया, तो पढ़ेंगे क्या, न्यूमोनिया। अब देखो पी सलाम नहीं, ये पी हो गया, जिसको बोलेंगे साम। ठीक है, यहां देखो साइकोलॉजी, तो पी साइकोलॉजी, यहां देखो न्यूमेटिक्स, तो पी नहीं पढ़ेंगे, न्यूमेटिक्स। ठीक है, इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है ना। इसका हिंदी होता है वायुशास्त्र। ठीक है, बाकी बचे तो डिक्शनरी से इसका हिंदी लिख लो, वायुशास्त्र। तो कॉपी कलम लेके बैठ रहे हो ना, देखो यहां पे पी एन, एन से पहले पी, यहां देखो शाम पी, तो एस से पहले पी, तो उस लेटर को हम उच्चारण नहीं करते, यानी एन और एस से पहले अगर पी हो तो उसको उच्चारण नहीं करते। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा,
आगे चले, आगे देखो, एम साइलेंट, अब एम कब चुप रहता है? अब देखो यहां पे आउटम लोग पढ़ते हैं, आउटमन, तो आउटमन नहीं पढ़ते, यहां देखो कॉलमन नहीं पढ़ते, तो बहुत सिंपल रूल है, एम के बाद एन साइलेंट होता है। कितना आसान हो गया, यानी एम के बाद जो एन होगा वो चुप रहेगा। अब एम के बाद एन, चूंकि एम और एन का साउंड लगभग एक जैसा होता है, तो हमने बोला आउटम, कॉलम, कॉलम, कंडेम, तो इसको इस तरह से आपको ध्यान देंगे थे, दोनों वर्ड्स एक जैसा है, एक ही वर्ड है दोनों, ठीक है। तो आउटमन नहीं पढ़ेंगे, ऑटम, कॉलम, कंडेम, तो इस तरह से पढ़ना है, और एन चुप रहता है, इस एन का उच्चारण नहीं होगा, इस एन का उच्चारण नहीं होगा, ठीक बच्चे। तो जब एम साइलेंट कब रहता है, ठीक है, एम और एन बेटा, एन साइलेंट है ना, एन साइलेंट, तो यहां पे तो ऑटम, ऑटमन नहीं, कॉलम, कॉलमन नहीं है ना, कंडेम, कंडमन नहीं, तो एन यहां पे क्या है, साइलेंट है, तो इसको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। यहां पे ठीक कर लो कॉपी कलम, इसलिए कहता हूं लेके बैठो, एन साइलेंट, चूंकि मैं आपको लिख करके पढ़ा रहा हूं, कोई बुकिस नहीं, ताकि कंसेप्ट आप कहते हो सर बेसिक से, बहुत बेसिक, जितना बेसिक कम उतना दूंगा, ठीक है। अब आगे और देखते हैं हम लोग, आगे और देखते हैं, वो देखते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज फिर से धर्मेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पे कुछ वीडियोस हैं जिसमें साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स, यहाँ पे साइलेंट लेटर्स पार्ट वन दिया था, उसमें बहुत सारे आपके कमेंट मिले, उस कमेंट में पर्टिकुलर आपने पूछा था कि सर डी, आपने लिखा था डी ई बी टी डेट, इसको बी चुप क्यों रहता है, मतलब साइलेंट होता क्यों है, आपने एक क्वेश्चन पूछा था। अच्छी बात है, जो भी कहीं भी डाउट हो ना आप पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं, जब कोई अगला वीडियो बनेगा ना तो मैं उसमें आंसर बता दूंगा। अब यहां पे पूछा कि डेट बी साइलेंट क्यों होता है, यहां पे जी साइलेंट है, डी साइलेंट है, टी साइलेंट है, ये साइलेंट होता क्यों है, तो मुद्दा ये जानना है कि साइलेंट होता क्यों है, हमको ये जानना है। तो साइलेंट क्यों होता है, जैसे वर्ड है डेट, अब डेट वर्ड है, तो यहां पे ध्यान ये देना कि डेट में बी लगा हुआ है। अब मुद्दा ये रखना है कि इंग्लिश जो एक वर्ड है ना, रियल में डेट था, डी टी डेट, समझना, तो इंग्लिश जल्दी से उभरता हुआ लैंग्वेज है, इसमें जो वर्ड ओरिजिनल होता है साउंड उसी का रह जाता है। जैसे वर्ड था डेट, अब डेट वर्ड था, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें जब अंग्रेज ने एक्सेप्ट किया इसको, तो यहां पे बी जोड़ दिया और तब वर्ड हो गया बट, तो साउंड तो रहा डेट और स्पेलिंग हो गया चेंज, बस मेरे। तो इंग्लिश एक बोलचाल की भाषा है, ये बहुत तरह से चूंकि तेजी से उभर रहा है, तो तेजी से उभर रहा है तो इसमें साउंड भी उस तरह का होगा, तो साउंड उसी तरह का होगा, तो इसलिए आप कोई रिसर्च मत करो, आप पहले क्या करो कि सीखने पर ध्यान दो, है ना, चूंकि अब रिसर्च करो कि होता क्यों है, तो फिर इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, चूंकि इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज, इसमें भोजपुरी भाषा है, इसमें उर्दू भाषा है, इसमें हिंदी भाषा है, इसमें इंग्लिश भाषा है, बहुत सारे भाषाओं का मिश्रण है। जैसे भोजपुरी, अगर तुम यूपी के हो, बिहार के हो, तो एक बार तुमने भोजपुरी में सीखा होगा कि वो लोग बोलते होंगे नियरे है, तो नियरे मतलब नज़दीक है, पास है, तो अंग्रेजी का वर्ड नियर है, तो नियरे बोल देते हैं, अंग्रेजी वर्ड है तो भोजपुरी वर्ड वो, इस तरह से बहुत सारे भाषाओं का मिक्सचर है, ठीक है बच्चे। अब हमने आपका जी साइलेंट होता है, तो जी साइलेंट कब, आप धीरे धीरे पढ़ते रहोगे तो अपने आप आपको प्रोनाउंस करना आ जाएगा, अपने आप प्रोनाउंसिएशन करना सीख जाओगे। जैसे जी साइलेंट है तो अब देखो, अब यहाँ पे नेट, साइन, रिजाइन, रेन, डिजाइन, अब इसको जी नेट नहीं पढ़ेंगे, रिजाइन नहीं, साइन, अब यहाँ पे साइन जी नहीं बोलेंगे, अब यहाँ पे रिजाइन या सा पढ़ रहे हैं, जिसा और जा का साउंड मिला हुआ है, तो यहां पे जी साइलेंट कब होता है, तो इसको ध्यान ही देना कि एन से पहले, एन से पहले जी साइलेंट होता है। अब एन से पहले जी देखो आ जाएगा, अब यहां पे नेट, जी नेट नहीं बोलेंगे, रेन, रेजन नहीं बोलेंगे, रेन है ना, डिसाइजन नहीं बोलेंगे या डिजाइन, सा को सा का साउंड दे रहे मिला करके, है ना, रिजाइन, साइन, साइन, साइजन नहीं बोलेंगे, साइन है ना, तो एन से पहले वाला जो जी रहता है बाबू वो अक्सर साइलेंट रहता है, समझ पा रहे हो। अगला देखो, डी साइलेंट, यानी डी कब चुप रहता है, तो डी देखो एज, अब इसको एडस नहीं बोलेंगे, ठीक है, बजट, इसको बजट नहीं बोलेंगे, देख रहे हो, लेजर, ब्रीज, हेज, तो बहुत ही सिंपल सा रूल बन गया कि जी से पहले का डी जो होता है वो क्या होता है, साइलेंट होता है, तो इसको हम लोग एडस नहीं एज,
है ना, डी क्या हो गया, साइलेंट यहाँ पर हो गया। एस तो जी से पहले डी, ब्रीज जी से पहले डी, बजट जी से पहले डी, लेस लेजर जी से पहले डी, हेज जी से पहले डी। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो अक्सर शांत होते हैं, चुप रहते हैं, तो ये आपको धीरे धीरे डेवलप करेगा माइंड, धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे और ये समय आएगा तो आप सीख जाओगे। एक बार पढ़ने क्रम में आप बेसिक सीखोगे तो आपका अंग्रेजी बेहतर हो जाएगा। टी साइलेंट, तो टी के बारे में दो तीन बातें बता दूं कि टी जब भी सेंटेंस के लास्ट में हो और टी के बाद, ध्यान देना टी के खास करके, कि टी जब भी अंतिम में हो तो उस टी का उच्चारण तो ओरिजिनल होता ही नहीं। जैसे हैसन, तो इसको हैस्टन नहीं पढ़ेंगे, हैसन। लीशन, इसको लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, लीशन। ऑफ्टन नहीं, ऑफन। शॉफ्टन नहीं, शॉफन। तो ऐसा इसलिए होता है, मान लो कि टी के बाद आई ओ एन लगा हो तो यहां भी शब्द पढ़ते हैं उसको, कंपटीशन है ना। तो जहां भी का साउंड आया ना तो उसको हम टी को साउंड नहीं पढ़ते हैं। टी जब भी सेंटेंस के लास्ट में आता है ना तो उस टी का उच्चारण या तो श होता है या फिर नहीं होता है, इसको ध्यान रखना। तो ऐसे पढ़ने क्रम में धीरे आपको आदत लग जाएगा, ठीक है। तो इससे संबंधित ये आपका पार्ट टू हमने दिया है और ये पढ़ते पढ़ते आपको और बेहतर लगेगा, धीरे धीरे सीखोगे और इस पे ध्यान देना। और मैं तो कहता हूं कि इसको आप क्या करना है कि पूरे भारत में फैलाना है और पूरे भारत के लिए बच्चों को हेल्प करना है, मदद करनी है। और थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।